झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सिंहभूम सीट के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, लगातार यहां डटे हुए हैं। इंडिया अलायंस से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज फिर से सीएम की सभाएं हैं। मुख्यमंत्री दोपहर में खरसावां में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, वही चाईबासा के जगन्नाथपुर में भी जनसभा होनी है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सिंहभूम सीट के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, लगातार यहां डटे हुए हैं। इंडिया अलायंस से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज फिर से सीएम की सभाएं हैं। मुख्यमंत्री दोपहर में खरसावां में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और वही चाईबासा के जगन्नाथपुर में भी जनसभा होनी है। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ चाईबासा से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सीएम चंपाई सोरेन जनसभा करने वाले हैं। तो जोबा मांझी के लिए सीएम लगातार प्रचार कर रहे हैं। मनोज से जुड़ेंगे, संपर्क इस वक्त हमारा टूट चुका है उनसे, लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। खरसावां में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन संबोधित करेंगे और जोबा मांझी के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। तो चाईबासा के जगन्नाथपुर से भी इनकी जनसभा है। सिंहभूम सीट के लिए सीएम चंपाई सोरेन अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। जोबा मांझी के लिए सीएम लगातार प्रचार कर रहे हैं। खरसावां में चुनावी सभा को सीएम चंपाई सोरेन संबोधित करेंगे और जोबा मांझी के लिए जनता से वोट देने की अपील करेंगे। चाईबासा के जगन्नाथपुर में भी सीएम की जनसभा है। सिंहभूम सीट के लिए सीएम चंपाई सोरेन की पूरी तैयारी, पूरी जोर लगा रहे सीएम चंपाई सोरेन, और ऐसे में जनता से बस यही अपील कि इंडिया गठबंधन को वोट करें चंपाई सोरेन की। तो खरसावां में चुनावी सभा को चंपाई सोरेन संबोधित करेंगे। चाईबासा के जगन्नाथपुर में भी सीएम की जनसभा है और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सिंहभूम सीट के लिए सीएम चंपाई सोरेन जनसभा करने वाले हैं और जोबा मांझी के लिए सीएम लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि जोबा मांझी को वोट करें। चाईबासा के जगन्नाथपुर में भी सीएम की जनसभा है। तो चाईबासा में भी और जगन्नाथपुर में भी सीएम चंपाई सोरेन का जनसभा है। जोबा मांझी के लिए सीएम लगातार प्रचार कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जोबा मांझी के लिए वोट करें। तो खरसावां से इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज चंपाई सोरेन की जनसभा है। मनोज, कितनी तैयारी देखने को मिल रही और कितनी उत्साह है लोगों के बीच में? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज दो जनसभा को संबोधित करेंगे जी। एक खरसावा में और दूसरा जगन्नाथपुर यानी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र, यानी दो संसदीय क्षेत्र जो 13 मई को मतदान होना है, खूंटी और सिंहभूम। तो पहले खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के खरसावा में संबोधित करेंगे एक जनसभा को, और उसके बाद सीधे वो सिंहभूम क्षेत्र के जगन्नाथपुर पहुंचेंगे जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि मुख्यमंत्री को सुनना है, मुख्यमंत्री
जो संदेश देंगे वो संदेश अगला वोट में कन्वर्ट करना है, ये इसको लेकर युवा यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि अमूमन देखा गया है कि मुख्यमंत्री का जितना कार्यक्रम हुआ है सभी कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही है, लेकिन इस बार क्या वाकई महिलाएं रहेगी या युवा को साधने में झारखंड मुक्ति मोर्चा सफल हो पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि युवा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से कटता हुआ दिख रहा है जी। क्योंकि जितने सभा हुआ है सारे के सारे सभा में युवाओं की संख्या कम रही है, महिलाओं की संख्या ज्यादा रही है, तो इस सभा में देखना होगा कि क्या युवा की संख्या बढ़ता है या महिलाओं की संख्या जो पहले सभा में होती थी वैसा ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने जनता को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पे 13 मई को जो वोट होना है वो कन्वर्ट कैसे हो, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, तमाम योजना की जानकारी देंगे और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कौन कौन सी है वो जरूर बताएंगे। हालांकि हर सभा में ये देखने को मिला है कि लगातार केंद्र पर ये वार करते रहेंगे, ये तो चुनाव है और जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी डफली अपना राग अलापता ही है और यहाँ भी वही होगा। लेकिन अब ये अंतिम जनसभा है, ये सिंहभूम संसदीय के बोले या खूंटी लोकसभा, क्योंकि 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद ठीक है मनोज नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।